तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ सनातु, सॉरी सनातु भाई ने, शांतनु भाई। तो ये खड़े हमारे पीछे शांतनु भैया। तो मैं इनकी ड्यूक 390 लेके जा रहा हूँ, BS6 मॉडल। तो भैया जो इसके ऊपर वीडियोस आएंगी 3 या 4 जो भी आएंगे वो इसके बाद आएंगी, इससे पहले आएंगी आई डोंट नो। एंड वीडियो स्टेबलाइज के बारे में मेरे को बहुत बोला गया लास्ट वीडियो में, एंड कुछ बातें मैंने वीडियो में बहुत रिपीट करी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो रिपीट ना हो मुझसे अगेन। यार मैं ना भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, कल का खाया नहीं याद रहता। तो भाई बाइक देख रहे हो, ये तो ठीक है, और ये हेलमेट ये नातु भैया नहीं शांतनु भाई, और वो खड़ी हमारी निंजा एंड हरियाणा के गृह मंत्री का जी घर वो रहा। तो ऑलमोस्ट कह रहे हो कि हमारे शांतनु भाई की पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़िया, पहुंच कितनी बड़ी है थोड़ा बताया जाए। नहीं नहीं किसी को नहीं बताना कहाँ रहते हम, ठीक है, इट्स सीक्रेट। देखो हम गुजरात में रहते हैं, ठीक है, GJ 06 नंबर है हमारा, तो हम गुजरात रहते हैं। तो फाइनली अभी मैं इसके ऊपर लगाता हूँ अपना फ़ोन एंड माउंट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे डाउट है कि मैं फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग नहीं करता। अभी आप लोगों के सामने फ़ोन लगाऊंगा एंड उसी से मोटो व्लॉगिंग करूंगा, देखते रहो। तो गाइस फाइनली हमारे हेलमेट के ऊपर लग चुका है हमारा फ़ोन, लाइक हमारा GoPro, चीप एंड बेस्ट GoPro जिसमें मैंने लगाई हैं रबर्स एंड ये माउंट। इसके ऊपर अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, एक सेकंड डंडर सीधा कर लो, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना, एक मिनट कैमरा हिल रहा होगा मेरा। तो ऊपर आई कार्ड में इधर या इधर कहीं भी यार, किधर ना, इधर 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 शायद यार बस आ रहा है, इधर कहीं बटन आ रहा है, ठीक है। तो शांतनु भाई की हम बाइक लेके निकल रहे हैं, तो हम जाएंगे 50-70 किलोमीटर हम राइड करेंगे आज फाइनली आफ्टर 1 मंथ। आप लोग मेरा मोटर व्लॉग देखोगे जी हाँ। तो गाइस यार अभी मेरा फेस या तो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है या बहुत ज़्यादा लाइट कम आ रही है, हवा बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों को। और अभी मैं एक जगह रुका हूँ गांव का एरिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं अभी कहाँ हूँ, बट मेरे को लोकेशन बहुत बेस्ट मिली तो मैं रुक गया। तो भाई जो बाइक का व्यू है ना भाई, भाई बाइक देखो यार क्या सेक्सी लग रही है ना यहाँ पे, और ऊपर से जो बैकग्राउंड है भाई, मतलब बैकग्राउंड में एकदम प्लेन। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था ना तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, यहाँ पेड़ वगैरह थे, लाइक पेड़ वगैरह जो खेती है, जो किसानों ने खेती की हुई थी तो वो खेती थी, तब वो भी नहीं है सफल यहाँ पे सॉरी। तो भाई अभी आप थोड़े से इसके सिनेमेटिक इन्जॉय करो हमारे व्लॉग के। तो भाई अगेन मैं आज कर रहा हूँ डेली व्लॉग, तो पहले मेरे को ये बता देना मेरा कैमरा स्टेबलाइज है कि नहीं है, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है। एक तो हवा इतनी चल रही है, आप लोगों को विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप थोड़े से करो सिनेमेटिक शॉट्स इन्जॉय। ये बाइक मेरे को ना मरवा के ही मानेगी, मेरे को ऐसा अंदर से फील आ रहा है। वो फील इसलिए आ रहा है भाई, ये जो मेरा भी टायर बबल करा है, मेरे से पहली बार नहीं थर्ड टाइम करा है, क्योंकि ये बाइक मेरी नहीं है, ये शांतनु भैया की बाइक है। उन्होंने मेरे को बताया था कि ये बाइक का टायर अगला बबल करता है, तो लाइक फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ हुआ, तो भाई मैं एकदम शॉक कि भाई ये क्या हुआ है कि मेरे बाइक के नीचे कुछ आ गया।
देन फिर मैंने सेकेंड टाइम ट्राई करा तो वबल नहीं किया। देन भाई अभी मैं बाइक नॉर्मल राइड कर रहा था, ऑलमोस्ट 149 समथिंग स्पीड थी मेरी, तो भाई उस स्पीड में मेरा बाइक जितना गंदा बवबल किया ना भाई, मेरी फटक के चार हो गए थे। साइड में मेरे ट्रक, राइट साइड, लेफ्ट साइड मेरे गाड़ी, और भाई बाइक बीच में वबल कर रही है। भाई KTM प्लीज़ इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ KTM इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो यार। तो गाइस कुरुक्षेत्र आ चुका है एंड लेफ्ट साइड है मेरे पीपली, एंड तो मैं हल्का सा ही आगे जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आता था, जब यहाँ पे मैंने लोकेशन देखी थी, जब तो टाइम नहीं होता था, लेकिन अब आया हूँ मैं आज से 2-3 साल पहले, बाद आया हूँ। पहले मैं यहाँ आता था, तब मैंने वो लोकेशन देखी थी 3 साल पहले। तो अब मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पे, देखते हैं। एंड जो यहाँ पे ना पहले मतलब बहुत सारी हमारी मेमोरीज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, लाइक मेरा यहाँ पे एक स्टंट शो भी हुआ था जिसमें मैंने अपना शूट करवाया था। भाई वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, ऐसे क्या ही बताऊँ, फिर कभी बात करेंगे उसके रिलेटेड। तो हल्का सा ये आगे है, चलो देखते हैं क्या सीन होता है वहाँ पे। मतलब अच्छी लोकेशन थी यार, पहले तो बहुत शौक था हमें फ़ोटोज़ वगैरह का ना, तभी देखी थी। तो अब देखते हैं क्या सीन है। और फ़ोन पे फ़ोन इतने आए जा रहे हैं ना मेरे को, पहले फ़ोन देखना पड़ेगा लोकेशन पे पहुँचे किस किस के फ़ोन आ रहे हैं। मेन दिक्कत तो यह है कि भाई फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, किसी इमरजेंसी कॉल ना हो, क्योंकि एक दो फ़ोन नहीं, 5-6 फ़ोन आए हैं। तो मेरे को इस बाइक से फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा अपने, देखना पड़ेगा कि किसी के कॉल आ रही है, ताकि मेरे को पता लग जाए बाइक चलाते टाइम कि कैसे के कॉल आ रहे हैं। पूछ सकता हूँ भैया, 5-6 फोटो में खींच लूँ क्या? यहाँ फोटोज खींच लूँ 5-6 इधर। हाँ ये लेना है ना बैकग्राउंड वगैरह। कितनी आगे तक जा सकते हो वैसे? इससे आगे नहीं जाता, इस पोल के पास ही रहता हूँ। थैंक यू। तो गाइस मैंने इधर ही रहना है, मैंने इसकी फ़ोटो लेनी है। लाइक यहाँ पे ना पहले घड़ी लगी हुई थी, वो घड़ी पता नहीं कहाँ गई। ओके तो ये वैसे है क्या, मेरे को ये भी नहीं पता। भाई इसका रेडिएटर फैन हो चुका है स्टार्ट। अभी अंबाला से मैं कुरुक्षेत्र तक आया हूँ एंड मैंने 38.2 किलोमीटर राइड करके अब जाके रेडिएटर फैन ऑन हुआ है। तो हमें ये लेना है अब बस। तो बाइक हमारी बंद कर देते हैं। चलो जी आप भी थोड़ी ठंडी हो जाओ एंड हम यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह ले सके, ताकि तो यहाँ पे इसको खड़ी कर दिया हमने एंड सिनेमैटिक्स लेंगे यहाँ पे बाइक के। और यार मेरे को ना वो चीज़ चाहिए थी कि इसके ऊपर घड़ी थी, वो घड़ी पता नहीं कहाँ गई। चलो कोई नहीं। तो इस बाइक की बात करें तो भैया बाद में, थोड़ी सी देर में, अभी हम एक और वीडियो बना रहे हैं, पहले वो कर लेते हैं शूट। तो गाइस राइट नाउ आई एम एट पीपली, और जो मैं, मेरे को पता नहीं है लेकिन ये हाईवे पे ही ये चीज़ लोकेशन आती है, तो मैं यहीं पे ही एंड ये ड्यूक 390 जो आज मैं राइड कर रहा हूँ। तो इसके थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स लेने थे मैंने, एंड क्या था ना कि इसके 3-4 वीडियो बनानी है मैंने, क्योंकि आज मैं 3-4 वीडियो बना रहा हूँ। एक तो मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर एंड दूसरी याद है यार, मैं तो भूल गया, देखा इतनी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है मेरी। तीसरी वीडियो क्या थी इसकी, मैं भी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था वो क्या नहीं था। अगर मैं इससे कलर की बात करूँ भाई, कलर तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिया, लाइक यहाँ पे ग्रे शेड दिया हुआ है एंड इसके बाद ऑरेंज व्हील्स जो दिए ना एंड फेयरिंग ऑरेंज दिया है। भाई KTM की तो फेयरिंग ऑरेंज ही आते हैं, तो अलग ही पहचान होते हैं। एंड उसके बाद ये जो इसकी लाइट है ना, 390 की लाइट मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है यार, 390 की लाइट है ही प्यारी। और अगर हम इसको लो एंगल से देखें ना, तो एक टाइप के लिए फील आती है कि भाई ड्यूक 790 है ये सीरियस, एंड पावर भी भाई इनसेन पावर, सीरियसली बता रहा हूँ इनसेन। और गाइस ब्रांड न्यू बाइक खड़ी है, अभी नंबर भी नहीं आया इस बाइक का एंड 1400 किलोमीटर ये रन हो चुकी है, एंड मैं अभी इसके अंदर अपना फ़ोन कनेक्ट करूँगा। तो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, इस प्यारी सी लोकेशन को बाय बाय करते हैं। आई होप कि यार आप लोगों का मेरी एकदम आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ से हमने राइट लेना है एंड हम वापस चलते हैं अम्बाला की तरफ। भाई यार यहाँ पे भी क्या सेक्सी फोटो आएगी, लेकिन चलता रोड है, किसी का नहीं पता कौन कभी भी आ जाए। हमारे साथ कोई है नहीं, हम सोलो राइड कर रहे हैं, बिकॉज फोटो खींचने वाले भी कोई नहीं है। वैसे सोनिया डरने की क्या बात है,
फोन हमारा कनेक्ट हो जाता है कैमरे से, तो जस्ट चल यार भाई। हमारे लेफ्ट में लोकेशन देख रहे हो, क्या प्यारी लग रही है ना, और ऊपर से हमारे साथ मशीन भी कितनी प्यारी है लोकेशन के साथ साथ। तो गाइस राइट नाउ मैं अभी हूँ हाईवे के ऊपर, जस्ट कुशहतर से निकला ही था, मैंने अभी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑफ की थी, तो क्या हुआ ना कि मेरा जो फ़ोन है, एक सेकंड रुकिए बस निकल जाए फिर बात करता हूँ। तो जो मेरा फ़ोन है ना, जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग का मोड है, तो मेरा उस रिकॉर्डिंग मोड से हट गया था, तो मैं रुकने के लिए उस मोड पे डालने के लिए रुका था, तो अब हमारा मोड डल चुका है। और तो मैंने सोचा यार मैं दो मिनट के लिए रुका ही हूँ, तो क्यों ना अपना व्लॉग ही कंटिन्यू कर लूँ, बिकॉज हमने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट जो कर दिया तो अपना व्लॉग तो कंटिन्यू करना है ना, तो इसीलिए मैंने कैमरा भी निकाला एंड रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता दिया, बिकॉज लाइफ का एक एक पार्ट आप लोगों को पता लगना चाहिए यार, अब एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है ना। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:50, मैं दोपहर को निकला था 1:30 बजे, तो 5:50 अब मैं घर पहुँचा हूँ और फिर मैं अब खाना खा रहा हूँ नमकीन चावल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आप लोगों को डेली व्लॉगिंग मेरी अच्छी लग रही है तो मैं और बना दूंगा आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि आपको और डेली व्लॉग्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।